दोस्तों आपकी हो रहा भोजपुरी बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टारों का गाना आ रहा है नवरात्रि का और सभी लोग अपना रिलीज भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी सभी को मिला है, लेकिन पवन सिंह की अगर बात आती है तो सबसे पीछे पवन सिंह नजर आते हैं। और इस चीज़ को आप लोग जानते भी होंगे कि पवन सिंह के अभी तक एक भी गाने को रिलीज नहीं किया गया है, तो इसमें सवाल ये खड़ा हो जाता है कि पवन सिंह का इस बार गाना आएगा या नहीं आएगा, गाने कितने आएंगे, गाने किस टाइप के होने वाले हैं और गाना कब तक आएगा और आएगा भी या नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल हैं। तो उसका सारा कन्फर्मेशन आपको वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में रास्ता जरूर बने रहे। देवी गीत का भी कंसेप्ट बन गया और बहुत प्यारा देवी गीत भी आ रहा है, आप लोगों को देखने के मिलेगा। बहुत बड़ा देवी गीत, इस साल के सबसे टॉप देवी गीत आने वाला है, आप लोग इंतजार करिए, देखिए और मस्त रहिए। जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों पहले ही देखा रवि पंडित का ये वीडियो था जो कि एक लाइव वीडियो था, हमने आपको पहले ही वीडियो में दिखा दिया है कि उसमें वो खुद बोल रहे हैं आज से 15-20 दिन पहले पवन सिंह जी लाइव आए थे, तो उसमें रवि पंडित जी और उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रियांशु सिंह वो दोनों मौजूद थे। तो उन्होंने ये चीज़ का खुलासा किया था कि इस बार नवरात्रि के गाने कुछ अलग लेवल के आने वाले हैं, तैयारियाँ हो गई हैं। अब आप इसे समझ सकते हैं, हम आपको अभी की अगर कन्फर्म न्यूज़ बताएं तो अभी पवन सिंह जो है गाने का सिलेक्शन कर चुके हैं, आज या कल में गाने का रिकॉर्डिंग चालू किया जाएगा। अगर गानों की बात करें तो 5 से 7 गाने होने वाले हैं, टाइम अगर मिलता है तो 7 गाने भी रिकॉर्ड होंगे, अगर टाइम नहीं मिल पाता है समय को देखते हुए तो 5 गाने ही रिलीज होंगे, लेकिन कम से कम 5 गाने तो आएंगे और डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग में रिलीज किया जाएगा ये गाने। तो अब आप मान के चलिए कि पवन सिंह का रिकॉर्डिंग आज या कल में चालू होने वाला है, तो इसके बाद फिर लगातार जो है आप लोगों के बीच में गाने आएंगे। अभी दोस्तों पवन सिंह कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर के बिजी थे, इस वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और पवन सिंह का ये कहना है कि जितने भी छोटे सिंगर लोग हैं वो लोग अपना गाना रिलीज कर दे, क्योंकि अगर हम लोग पहले रिलीज कर देंगे तो उनको थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है, इस वजह से पवन सिंह चांस देते हैं सभी लोगों को और पवन सिंह थोड़ा लास्ट में लाएंगे, लेकिन जितना भी लाएंगे ब्लास्ट लाएंगे। तो थोड़ा इंतजार कीजिए दोस्तों और हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग कितना ज्यादा नवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं पवन सिंह के गाने का, और इस बार पवन सिंह के आपको पुराने अंदाज में गाने सुनने को मिलेंगे, जिस तरीके से पहले पवन सिंह जी गाना गाते थे और बहुत अभी तक वो भी चल रहे हैं गाने, और कुछ डीजे सॉन्ग भी आएंगे जैसा आप लोगों का डिमांड था उसी हिसाब से गाने इस बार रिलीज किए जाएंगे। तो आपके मनपसंद सारी चीजें हो रही, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, गाने की तैयारियां शुरू हो गई, गाने का सिलेक्शन भी हो गया है, बस रिकॉर्डिंग बाकी, और रिकॉर्डिंग होगा तो वीडियो शूट तुरंत होगा और वीडियो शूट होगा तो लगातार गाने रिलीज किए जाएंगे। चलिए दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लोगों को प्रेस करें, मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए रोबोट की न्यूज़।